नमस्कार दोस्तों, ज्ञान जो ब्लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं जो कि सीईटी की आज देख सकते हो ऑफिशियली वेबसाइट थी, जिसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि सीईटी को लेकर बहुत बड़े एचएसएससी ने आप खड़े कर दिए हैं। उसके रिगार्डिंग ये पूरे पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या बात है और क्या डिक्लेयर हो गया है? और एग्जाम में ये बता दूं, आपकी अगस्त की बजाय सितंबर में फाइनल है, जो कि पिछली भी वीडियो आपने देखी होगी। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट में एचएसएससी की गवर्नमेंट अपडेट में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है जी। ये वीडियो भी आपको उसी में गवर्नमेंट लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज में ऑफिशियली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ब्रेकिंग अपडेट न्यूज में, ठीक है जी। इसमें देख सकते हो सीईटी को लेकर, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, को लेकर एचएसएससी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब गेंद इस प्रकार के पाले में है, भी अगस्त की बजाय सितंबर में होगी आपकी परीक्षा। अभी तक डेट तय नहीं हुई है, फाइनल वही आप दे रहे हैं जी, 17, 18, 19 यही डेट है। करीबन करीबन हरियाणा में संयुक्त पात्रता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी का जो लगातार इंतजार बढ़ता जा रहा है, अगस्त में संभावित परीक्षा की अब डेट सितंबर में कराने की कोशिश चल रही है। और सीएटी का ये एचएसएससी ने अपने हाथ खींच लिए हैं, जो कि आप देख सकते हो मुख्य सचिव हैं हरियाणा सरकार के एचएसएससी के, उनकी तरफ से ये हाथ खड़े कर दिए गए हैं। आगामी आने वाले 1 या 2 दिन में ये फाइनल डिटेल तैयार कर ली जाएगी, ठीक है जी। और भी कब परीक्षा करवाया जा रहा है, करीब परीक्षा की डेट क्या है, इसके बाद ही परीक्षा की डेट तय होगी, जो कि आज इसमें आपको 32,000 पदों के लिए परीक्षा होनी है। इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट ने 11,40,000 कैंडिडेट ने अभी तक अपना परीक्षा जो कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया। करीबन करीबन 1.5 लाख से एक से बार बार परीक्षा की तारीख बदली जा रही है। भी ये तो आज की बैठक के बाद ही फाइनल होगा, भी फाइनल डेट एग्जाम की आती क्या है, उसके बाद ही कह सकते हैं भी कब होगा। अभी तक फाइनल एस्टिमेटेड जो क्लियरेंस है वो अभी तक अगर सितंबर में आपका एग्जाम सितंबर में होने वाला है, ठीक है जी। और का कहना है कि एच टेट की तरह ये परीक्षा आयोजित सरकार की तरफ से ही करवाई जाएगी, जैसे एच टेट के एग्जाम होते हैं उसी तरह ये एग्जाम भी आपके किए जाएंगे, ठीक है जी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी इसको। दूसरा पेज में ये भी आ रहा है कि एनटीए एक ही दिन में परीक्षा करवाने के लिए, जो कि पिछले दिनों में आपको बताया है, एचएसएससी कह रहे हैं कि 2 दिन में और एनटीए कह रहे हैं 1 दिन में ही परीक्षा करवाएंगे। और हरियाणा सरकार के पाले में गेंद है, मतलब हरियाणा सरकार ही इसका डिसीजन फाइनल करेगी, भी एक शिफ्ट की बजाय 2 शिफ्टों में ही एग्जाम होगा जी, ये तय है, फाइनल है। अध्यापकों ने सोशल मीडिया पर भी छेड़ रखा है अभियान, भी जल्द से जल्द 38,000 भर्तियों की पक्की भर्ती का। बट अभी तक एचएसएससी के गोपाल सिंह खत्री का यह कहना है कि सीटी को परीक्षा अब हरियाणा सरकार ही करवाएगी, उनका निर्णय ही हरियाणा सरकार का ही फाइनल माना जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद यही है भी सितंबर में सितंबर में आपका एग्जाम होगा, अगस्त में कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जहां तक नोटिस आ रहे हैं बार बार, और उसमें कोई भी चांसेस नहीं है। अभी तक यही है भी सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है जी, जिसमें 11.40 लाख 11,40,000 कैंडिडेट ने अभी तक अपना पंजीकरण करवा लिया है, ठीक है जी। और आयोग ने जो एचएसएससी है उन्होंने ये फैसला किया कि हम एग्जाम को लेकर इससे दूरी बना लेंगे, हम एग्जाम नहीं करवाएंगे। अब सरकार के पाले में भी सरकार ही इसका एग्जाम एनटीए के थ्रू करवाएगी, उम्मीद है भी 2 दिन में ये एग्जाम फाइनल किया जाएगा, और यानी कि 2 शिफ्टों में किया जाएगा, ठीक है, 2 दिन में। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है, इसी तरह की और भी बिगड़ दे अप टू डेट टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है जी। इसी चैनल को पर बने रहने के लिए और अपडेट पाने के लिए एग्जाम जो बुलेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।